आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि नकली पुलिस बनकर कुछ लोगों को चूना लगा देते हैं, लेकिन रियल लाइफ की यह कहानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रियल लाइफ में देखने को मिलती है, जहां असली पुलिस ने एक नकली पुलिस गैंग को पकड़ा है, जिसके बाद सब लोग हैरान रह गए हैं, क्योंकि इस नकली पुलिस ने चोरों की कई वारदात को अंजाम दिया था। जबकि हैरान कर देने वाली बात यह है कि दोनों सगे भाई नकली पुलिस के इस गिरोह को चला रहे थे। भोपाल पुलिस ने नकली पुलिस बनकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि गैंग के सभी लोग पुलिस की वर्दी पहनकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे, जबकि लोग उन्हें पुलिस समझकर उन पर शक भी नहीं करते थे। ऐसे में वे बड़ी सफाई से चोरी भी करते थे। पुलिस ने बताया कि दो सगे भाई मिलकर पूरी गैंग को चलाते थे। पहले वह पुलिस की वर्दी पहनकर बाइक से जगह की रेकी करते थे, उसके बाद अपने सदस्यों के साथ मिलकर चोरी करते थे। वे पुलिस से बचने के लिए पुलिस की वर्दी पहनते थे, ताकि पुलिस भी उन पर शक ना करे। खास बात यह है कि पकड़े गए सभी आरोपी ओला और रैपिडो में बाइक टैक्सी चलाते थे, जो दिन में रैकी कर रात में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। बताया जाता है कि भोपाल में चोरी करके माल को इंदौर में बेचा जाता था। पुलिस ने बताया कि पहले एक भाई चोरी करता था, उसके बाद दूसरा भाई चोरी के सामान को इंदौर में ठिकाने लगाता था, यानी भोपाल में चोरी होने वाले माल को राजधानी में बेचने की बजाय इंदौर में बेचा जाता था। फिलहाल भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने सभी आरोपियों को दबोच लिया है। पकड़े गए सभी आरोपियों के पास से लाखों रुपए का सामान बरामद हुआ है। भोपाल क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सूचना के आधार पर हमने दो लोगों को पकड़ा है। इन्होंने सीएसआईएफ की वर्दी चुराई थी और वही वर्दी पहनकर पहले रेकी करते थे, इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। करीब एक दर्जन चोरी के सामानों को बरामद किया गया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच लगातार इस तरह की कार्यवाही कर रहा है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है, जहां कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं।